एक तरफ पठान मूवी करोड़ों का कलेक्शन कर रही है तो दूसरी तरफ पठान मूवी की वजह से कंगना रनौत ट्विटर पर जमकर ट्रोल हो रही है। कभी कंगना पठान मूवी की तारीफ करके फैंस से सुर्खियां बटोरती है तो कभी शाहरुख खान पर निशाना साधकर जमकर ट्रोल होती है। शाहरुख को लेकर कंगना का कहना है कि पठान सिर्फ एक फिल्म हो सकती है, गूंजेगा तो यहाँ सिर्फ जय श्री राम ही। आइए हम आपको कंगना के ट्वीट दिखाते हैं। जो लोग पठान मूवी की नफरत पर प्यार की जीत का दावा कर रही हैं, मैं मानती हूं, लेकिन किसका प्यार किसकी नफरत पर? आइए सटीक बात करें कि कौन टिकट खरीद रहा है और इसे सफल बना रहा है। हाँ, ये भारत का प्यार और समावेश है, जहां 80% हिंदू रहते हैं और फिर भी पठान नामक एक फिल्म चल रही है। लेकिन जिन लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, कृपया ध्यान दें, पठान सिर्फ एक फिल्म हो सकती है, गूंजेगा तो यहाँ सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम। बॉलीवुड वालों, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश मत करना कि इस देश में तुम हिंदू नफरत से पीड़ित हो। अगर मैंने फिर से ये शब्द सुना, नफरत पर जीत, तो तुम लोगों की वही क्लास लगेगी जो कल लगी थी। अपनी सफलता का आनंद लो और अच्छा काम करो, राजनीति से दूर रहो। अब सवाल यह उठता है कि क्यों शाहरुख खान से दुश्मनी लेना चाहती है कंगना? ये सब करके कंगना अपने राजनीतिक करियर को मजबूत करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं ने फिल्म पठान का बायकॉट किया है। और बात करें कंगना के राजनीतिक करियर की, कंगना हिमाचल के मंडी से 2024 में चुनाव लड़ना चाहती है। कुछ समय पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कंगना रनौत की राजनीति से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात कही और स्पष्ट किया कि चुनाव लड़ाने का फैसला पार्टी लेगी।